हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक और छोटा सा मोटिफ डिज़ाइन दिखाने जा रही हूँ। तो वो छोटा सा डिज़ाइन यूज़ करके कैसे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बना सकते हैं वो भी मैं दिखा रही हूँ। लास्ट में बहुत सारे अच्छे से डिज़ाइन और दिखाऊंगी, तो लास्ट तक देखना। तो मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछो। और मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो हम वीडियो पर चलते हैं। देखो, यही है वो मोटिफ, सिंपल सा मोटिव है। हम सिंपल स्टिच यूज़ करके ही वो बना रही हूँ। तो सेंटर में मैंने नॉर्मल नीडल से ही ऐसे एक होल बना रही हूँ, नॉर्मल नीडल यूज़ कर रही हूँ, और 6 स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड यूज़ करके ही पूरा डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। तो देखो, पहले स्टार्टिंग में मैं होल स्टिच बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने वो नीडल से छोटा सा एक होल बनाया था। तो फिर वो होल से ही ऐसे अंदर ले के फिर हमने वो सर्कल बनाया ना, ऐसे ही छोटा सा सर्कल मैंने ड्रॉ किया है। एक्चुअली वो सर्कल ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे एक आपको डिज़ाइन दिखाने के लिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ। नहीं तो वो सेंटर मार्क करना है और लीफ का डिज़ाइन मार्क करना है, बाकी तो हम ऐसे करके करके वो तो नॉर्मली सेंटर ऐसे सर्कल सर्कल आ ही जाएगा। देखो, ऐसे होल स्टिच करते हैं, जो हमने बॉर्डर वो सर्कल ड्रॉ किया है वो सेंटर से सर्कल की ओर ऐसे लेकर जाना है, अच्छे से खींच के करना। देखो, ऐसे ज्यादा नस्तिक नस्तिक ऐसे करने की जरूरत नहीं है, हम तो 6 स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड से कर रहे हैं ना, तो इसलिए अच्छे से ही वो होल स्टिच हो जाएगा। तो ऐसा ही हम होल स्टिच फिनिश करते हैं। देखो, अभी होल स्टिच फिनिश हो गया है। सेंटर में आप चाहिए तो फांडा स्टिच भी कर सकता है, मैंने तो होल स्टिच किया, मतलब नॉर्मली सेंटर में तो फांडा स्टिच करते हैं ना, इसलिए चेंज में मैंने होल स्टिच कर दिया बस। अभी देखो, ऐसा ही अभी नेक्स्ट रो में ऐसे नेक्स्ट सर्कल में हम वो स्पाइक्स बनाते हैं, वाई शेप में होना चाहिए, बस वही बोलते हैं स्पाइक को, मतलब ऐसे करके वो लाइन के सेंटर में नीडल को नीचे लेकर आके नेक्स्ट वाई कहाँ बनाना है उधर नीडल को ऊपर लेकर आना है। तो ऐसे वो पूरा फिनिश करने के बाद वो हम बुलबुल चश्म बोलते हैं, मतलब एक बर्ड की आइस की आई की तरह आँख की तरह होता है वो, इसलिए वो हम ऐसा नाम पे बोलते हैं ये स्टिच को। देखो, ऐसा ही वाई शेप में ऐसे करते हैं, स्पाइक की जैसा होता है। तो ऐसा ही हम पूरा ये सर्कल फिनिश करते हैं। बहुत सारे वीडियोस में मैंने ये वाला दिखाया है, फिर भी मैंने इसमें भी थोड़ा अच्छे से ही दिखाया है, मतलब ज़्यादा दिखाएंगे तो कुछ लोगों को तो वो बोरिंग भी लगता है, मतलब जैसे भी मैं बनाऊँ तो मुझे तो 2 मिनट या ऐसा ही मुझे वॉच ओवर मिलता है, मतलब नॉर्मली। अभी देखो, नेक्स्ट रो में हम बकिया स्टिच करते हैं। तो ऐसे ऐसे बकिया स्टिच तो चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी का स्टार्टिंग, मतलब नॉर्म वेरी इम्पोर्टेंट स्टिच होता है। तो ऐसा ही बकिया स्टिच करते हैं, एक एक स्टिच कैसे करते हैं वो तो मैंने मलयालम में और हिंदी में दोनों लैंग्वेज में मैंने दिखाया है। स्टिच का वीडियोस ऐसे ही मेरे वीडियोस में है, आप लोग को वो इस वीडियो में ऐसे अच्छे से दिख नहीं रहे हैं वो क्या है, तो वो वीडियोस जाके देख सकते हैं, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसमें। फिर भी इसमें भी मैंने अच्छे से ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, सब वीडियोस में स्टार्टिंग की तरह ही मैं वीडियो एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, ऐसा ही वो ये वाला राउंड भी हम बकिया स्टिच से पूरा फिनिश करते हैं। सॉरी, मेरी उंगली बीच में आ रही है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मैंने लेकिन फिर भी मैक्सिमम वो अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, अभी नेक्स्ट रो में हम फिर से स्पाइक करेंगे, वही ये वाला रो ऐसा ही फिनिश करने जा रहे हैं, मतलब वो बुलबुल चश्मे के लिए वो हमने होल स्टिच बनाया था, फिर स्पाइक, फिर
बकिया स्टिच का ऐसा ही अभी स्पाइक बना रहे हैं। फिर वो स्पाइक के बाद फिर एक और बार हम बकिया स्टिच करेंगे। कोई भी राउंड में कुछ भी कर सकते हैं, अभी मैंने ऐसे दिखाया वैसा ही करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहिए तो उसके बीच में फांडा स्टिच करके भी कर सकता है, सर्कल थोड़ा बड़ा करना है तो वो भी बना सकता है। ऐसा मैंने एक एक डिज़ाइन दिखा रही हूँ, लेकिन सबको अपने अपने थॉट के हिसाब से वो चेंज भी कर सकता है। देखो ऐसा ही मैंने वो सर्कल जैसा, वो फ्लावर जैसा वो डिज़ाइन मैंने फिनिश कर दिया है। अभी मैंने एक लाइन जैसा वो स्टेम बनाया है, उधर मैं अभी पेचनी स्टिच करने जा रही हूँ। तो पेचनी स्टिच के लिए पहले हमें तिरछी स्टिच करना पड़ता है, मतलब हमारा रनिंग स्टिच करना पड़ता है। तो ऐसा ही रनिंग स्टिच करके फिर हम उसके बीच अंदर की ओर ऐसे ऐसे एक साइड, वो कौन से साइड पे हम कर रहे हैं तो पूरा वो उसी साइड से करना, ऐसे उसके अंदर से ऐसे ऐसे लेके। देखो मैंने दो करने के बाद वो लीफ की डिज़ाइन जैसा मैंने ड्रॉ किया है वो भी करने जा रही हूँ। वो भी मैं बकिया स्टिच से ही कर रही हूँ। ये मेरा कपड़ा है, वो थोड़ा पतला सा शीन मतलब कपड़ा जॉर्जेट फैब्रिक है तो वो दिख जाएगा अच्छे से। लाइट येलो कलर के फैब्रिक में कर रही हूँ, इसलिए मैं पिंक कलर थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। अभी ऐसे ही बकिया स्टिच करते हैं। आप लोगों को ऐसे ऐसे ट्रांसपेरेंट कपड़े नहीं, दूसरे कपड़ा है मतलब थिक फैब्रिक है तो बकिया स्टिच के जगह आप लोग ऊपरी भगिया या उल्टी भगिया स्टिच कर सकते हैं, नहीं तो घास पत्ती चनापति ऐसा ही लीफ वाला स्टिच है वो भी कर सकता है। देखो इधर मैंने वो सेंडर के अंदर से वो क्रॉस के अंदर से थ्रेड को लेकर नेक्स्ट पेटल सॉरी लीफ के अंदर लीफ की जगह पर लेकर आ गया। फिर इधर भी ऐसे वो पेटल सॉरी लीफ फिनिश करके उसके अंदर से नीडल को ऐसे लेके फिर वो स्टेम नेक्स्ट लीफ सेक्शन के उधर ऐसे ऐसे लेकर चल के हम करते हैं। मतलब वो बीच में है ना, नीचे से वो थ्रेड नहीं दिखना चाहिए, एकदम से उधर से नेक्स्ट लीफ की ओर लेकर जाएंगे तो वो ऐसे आ जाएगा। देखो उसकी बैक साइड ऐसे होता है, नीटली होता है। अभी मैंने ऐसा ही मैंने पूरा डिज़ाइन फिनिश कर दिया है। देखो ये वो डिज़ाइन बहुत क्यूट लगता है, ये वाला ऐसे साइड साइड पे रखे ऊपर ऊपर रखे ऐसे ऐसे बहुत अच्छे से वो पूरे कुर्ती में या सब साड़ी में ऐसे ऑल ओवर भी कर सकता है, बॉर्डर भी कर सकता है। तो ऐसा ही मैंने वो स्टार्टिंग में भी कुछ डिज़ाइंस दिखाया था, तो अभी देखो ऐसा ही ऑल ओवर कर सकता है, नहीं तो वो सर्कल बीच में रखे ऐसा भी कर सकता है। तो आपके हिसाब से कोई भी डिज़ाइन ऐसे ये सेम मोटिव से बना सकता है। तो यही है आज का वीडियो। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।